स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए चैप्टर नंबर 26 है, इसमें एग्जाम्पल 6.1.10 को आपको कराया है। अब देखिए, इस मीटिंग में हम आपके लिए व्युत्क्रमण की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है यहाँ व्युत्क्रमण। यानी इन्वर्जन तो इसमें व्युत्क्रमण में क्या है कि फलन या प्रतिचित्रण W इक्वल टू वन अपॉन जेड कहो या W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड व्युत्क्रमण कहलाता है। व्युत्क्रमण कहलाता है। ओके, यहां जो W इक्वल टू वन अपॉन जेड है, यह क्या है? व्युत्क्रमण कहलाता है। और यह जो प्रतिचित्रण है वो इकाई वृत्त तथा वास्तविक अक्ष के सापेक्ष परावर्तन भी कहलाता है। और यह इकाई वृत्त तथा वास्तविक अक्ष के सापेक्ष परावर्तन भी कहलाता है। ओके, समझेंगे आप इसमें। मान लीजिए ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ कोई पॉइंट जेड है, तो ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। अब अगर ओ पी जो दूरी है, ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी है, और एक पॉइंट क्या है यहाँ, ओ क्यू है। क्या है ये? ओ क्यू। अब जो क्यू पॉइंट है ना, ये डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन जेड या वन अपॉन जेड हो, तो देखिए यहाँ जेड का और वन अपॉन जेड का गुणा करने पर इकाई आएगा ना। होता क्या है इन्वर्जन पॉइंट के लिए कि अगर वृत्त के अंदर कोई पॉइंट पी है और इसके बाहर, वृत्त के बाहर पॉइंट क्या है, क्यू है, तो ये जो दूरी है ना ओपी और ओक्यू, ओपी दूरी और ओक्यू दूरी का अगर गुणा करने पर त्रिज्या जो इस वृत्त की है, जो कि यहाँ एक है, कितनी है? एक। तो अगर त्रिज्या के वर्ग के बराबर आ जाए, OP इंटू OQ का गुणा है वो R स्क्वायर के इक्वल आए, अर्थात OP और OQ का जो गुणा है वो एक के वर्ग के बराबर आ जाए। त्रिज्या, क्योंकि इकाई त्रिज्या का वृत्त है ना, तो एक के बराबर आए। तो इस कंडीशन में जो 1 अपॉन जेड है, इसे जेड का इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं। 1 अपॉन जेड को जेड का व्युत्क्रम कहते हैं। ये तो हो गया वृत्त के सापेक्ष, ये क्या हो गया वृत्त के सापेक्ष। अगर हम अक्ष के सापेक्ष बात करें, वास्तविक अक्ष के, तो ये जेड पॉइंट है। तो इसका इस एक्स अक्ष के सापेक्ष, वास्तविक अक्ष के सापेक्ष जो इन्वर्जन होगा, अर्थात इसका जो संयुग्म भी बनेगा, वो इसके जस्ट विपरीत दिशा में, जैसे कि मिरर इमेज निकालते हैं ना, सेम उस तरीके से। तो जेड का जेड बार यहाँ बनेगा, क्योंकि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार आप देखेंगे नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ये जो x है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आयोटा बाई है वो नेगेटिव हो जाएगा ना, बाई नेगेटिव होगा ना नीचे की तरफ, तो ये माइनस आयोटा बाई हो जाता है। ये क्या है? वास्तविक अक्ष के सापेक्ष इसका आवर्धन है, सॉरी व्युत्क्रमण है, वास्तविक अक्ष के सापेक्ष, और वो था सर्कल के रेस्पेक्ट में। आप इसमें ये डायग्राम भी बना सकते हैं आप इस तरह से, बाकी का ऐसा कुछ इनकी जरूरत नहीं पड़ती है जैसा आप सोच रहे हो। केवल और केवल डेफिनेशन की आवश्यकता होगी, उसको आपको हमने लिखा दिया है, साथ में इसके डायग्राम हैं, स्क्रीनशॉट लें आप सभी, डायग्राम वगैरह जो भी है, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके, मेरे को कल प्रोफेसर ने बोला था, इन्होंने मुझे निकाला है, पर कुछ
नहीं तो बिल्कुल नहीं जा रहा, मुझे क्या जरूरत है मेरी तरफ से। मुझे पता है कंफर्म कि किनको हटाना है। अच्छा जी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको है तो आप क्लियर करके आइए। नहीं मुझे नहीं है, मैं तभी आपके जाने के बाद मैं एडमिट ऑल कर दूंगा। मैं सर को बोल के आ जाऊंगी फिर। बोल देना। हाँ तो आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें व्युत्क्रमण के बाद में इसका एक एग्जाम्पल रहेगा, और ये जो एग्जाम्पल है वो रहेगा अपना 6.1.12। अब देखिए आप इसमें ये दिया है, यहाँ 6 एग्जाम्पल है 6.1.12। इसमें आपको W इक्वल टू 1/Z दे रखा है, इसके अंतर्गत अनंत पट्टी दे रखी है। अनंत पट्टी बाई के लिए कंडीशन है 1/4 लेस देन 1/2। ओके इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब देखिए इसको प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आप यहाँ W की जगह U प्लस आयोटा भी लिखोगे, Z की जगह X प्लस आयोटा वाई लिख सकते हो। यहाँ x प्लस आयोटा वाई का परिमेयकरण करें x माइनस आयोटा वाई से, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा यहाँ u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। देखिए नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, जिससे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का वर्ग माइनस वन होता है इसीलिए ये प्लस बन जाता है। ओके u प्लस आयोटा वी इक्वल टू अलग अलग भाग दें तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अलग अलग करें तो आप देखेंगे u इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इक्वल टू ये बनेगा माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके आपके लिए कंडीशन दे रखी है कि y का मान 1/4 और 1/2 के बीच में है, तो यहाँ आप कंडीशन लगाएं y के लिए, यदि y बराबर माइनस 1/4, यदि y बराबर 1/4, y बराबर 1/4 तब यहाँ समझेंगे y का मान 1/4 है तो इस v का मान क्या बनेगा। वैसे तो क्या है y का मान ग्रेटर देन है 1/4। अब एक काम कीजिए, पहले हम आपको जो y की वैल्यू दे रखी है ना 1/4 ग्रेटर देन है 1/4, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1/4 है ये। ओके देखिए आप y की वैल्यू अगर आप यहाँ 1/4 रखें तो ये बन जाएगा, यदि y इक्वल टू 1/4 तब इस v की जो वैल्यू बनेगी ना वो आएगी यहाँ y की वैल्यू माइनस 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 रखोगे ना यहाँ तो ये बनेगा 1/16। इसको हल करना है और u और v में रिलेशन निकलेगा,
लेकिन एक काम करते हैं, अभी पहले इसको बाद में निकालेंगे भाई, ये कंडीशन बाद में निकालेंगे। अभी क्या है, x और y की वैल्यू निकालो इन दोनों को हल करते हुए, u और v को हल करते हुए क्या है, x और y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से u अपॉन v की वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर इन दोनों को भाग लगा दिया जाए, इसको नंबर एक डाल दें, इसे नंबर दो डाल दें, तो इन दोनों को अगर भाग लगाएं, अब एक भाग दो तो ये बनेगा u अपॉन v इक्वल टू u अपॉन v इक्वल टू, तो ये भाग लगाओगे ना u में इस v का, तो ये रूट, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x और नीचे आएगा माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा यहाँ, अब देखो यहाँ u अपॉन v इक्वल टू x अपॉन माइनस वाई है, तो आप चाहो तो y का मान निकाल सकते हो इससे x के पदों में, और या फिर आप चाहो तो x का मान निकाल सकते हो ना y के पदों में। तो देखिए अगर x की वैल्यू निकालें यहाँ माइनस u अपॉन v इंटू y, अगर यहाँ x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू एम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस y, इधर आएगा ना माइनस u अपॉन v इंटू में y, इस मान को आप एक में दो में रख दें। अब दो से नब दो से और दो से बनेगा ये वी बराबर माइनस का वाई अपॉन अपॉन में है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये यू अपॉन वी वाई, तो वर्ग करेंगे ना यू वर्ग अपॉन वी वर्ग इंटू वाई वर्ग, यू वर्ग अपॉन वी वर्ग इंटू वाई वर्ग प्लस का वाई वर्ग। यहाँ से आप v इक्वल टू निकालें तो माइनस का y अपॉन में y वर्ग कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा यहाँ u वर्ग अपॉन v वर्ग प्लस वन, v इक्वल टू निकलेगा ये y एक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन y बचा, और ये जो v स्क्वायर है ना ये ऊपर चला जाएगा और v स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ बनेगा u वर्ग प्लस v वर्ग। तो देखिए यहाँ से y को लेफ्ट में लाएं तो y इक्वल टू आएगा माइनस का एक v कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का v अपॉन में u वर्ग प्लस v वर्ग, ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू इसलिए निकाली है ना जिससे कि यहाँ कंडीशन लगी हुई है ना इनका उपयोग किया जा सके। आप देखोगे y क्या है लेस देन 1/4 है, तो इसका यूज करो, यदि y लेस देन 1 सॉरी y यानी यदि y ग्रेटर देन 1/4, y ग्रेटर देन क्या है यहाँ 1/4 है, तो y की वैल्यू है यहाँ माइनस का v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। तो आप देखोगे यहाँ अगर हम 4 का इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4v एम्प्लाइज माइनस 4v ग्रेटर देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का गुणा करोगे एक के साथ, तो ये बनेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब देखिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बना, ओके। अब अगर हम माइनस का ये जो माइनस 4v है ना इसको राइट साइड में ले जाएं, तो ये बनेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 4v लेस देन 0 रहेगा, क्या रहेगा ये प्लस 4v लेस देन 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि में चेंज करोगे, इसको क्या है पूर्ण वर्ग विधि से चेंज करोगे, और इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ u वर्ग प्लस v वर्ग प्लस 4v, चार दोनों साइड में जोड़ देना, v का गुणांक जो है चार, इसका आधा 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 यानी दो का वर्ग चार दोनों साइड में जोड़ दिया, तो ये बनेगा u वर्ग प्लस v प्लस 2 का स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या एक व्रत है, लेकिन ये सभी के सभी, देखो ये जो व्रत है ना इसका केंद्र माइनस 2 और कितना है 0, -2 है, त्रिज्या क्या है आर है, केंद्र क्या है इसका 0, -2 और त्रिज्या कितनी है आर, ओके। एक तो ये बना, दूसरी कंडीशन ले करके चलेंगे अभी, यदि y लेस देन 1/2, यदि y लेस देन 1/2, तो y की वैल्यू है अपने पास, इस y की वैल्यू है अपने पास माइनस बी अपॉन यू वर्ग प्लस वी वर्ग, माइनस बी अपॉन यू वर्ग प्लस वी वर्ग लेस देन 1/2, ये माइनस 2 भी लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस 2 भी लेस देन में, ये बनेगा यू वर्ग प्लस वी वर्ग, ओके। इसको भी राइट साइड में ले जाएं तो ये बनेगा u वर्ग
प्लस बी वर्ग प्लस टू बी, और ये क्या है ग्रेटर देन जीरो। इसमें आप बी का गुणांक जो दो है, दो का आधा एक होगा, एक का वर्ग लेफ्ट राइट साइड में जोड़ दें तो ये बनेगा यू स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का स्क्वायर और एक ग्रेटर देन वन स्क्वायर। ओके, दोनों साइड में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखो आप इस वृत्त का जो केंद्र है ना, इसका केंद्र आप लिख सकते हैं, केंद्र बनेगा जीरो माइनस दो और त्रिज्या बनेगी ये दो। यहाँ भी इसका केंद्र निकालें तो केंद्र बनेगा जीरो कॉमा माइनस एक और त्रिज्या बनेगी आर बराबर एक। ओके, सभी आप स्क्रीनशॉट लें इसका, इसके बाद में इसकी जो डायग्राम है ना वो समझाएंगे आपको। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, इसके बाद आप इसके डायग्राम समझोगे। इसके बाद में इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसके जस्ट नीचे एक एग्जांपल होगा, उसको आप करोगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लें इसका। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? हाँ बताएंगे, किसी को समस्या हो तो। अच्छा आप देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे। हाँ इसका डायग्राम समझेंगे आप अब। देखिए बाई पे जो बाउंडेशन दे रखी है ना, बाई ग्रेटर देन वन बाई फोर लेस देन वन बाई टू है ना, तो ये तो है जेड तल में, ये तो क्या है जेड तल में है। जेड तल में बाई का मान एक बटे चार और एक बटे दो, मान लीजिए एक बटे दो यहाँ है तो एक बटे चार इधर होगा, तो इस अनंत पट्टी ये इसके बीच का क्षेत्रफल बनेगा। ये बीच का क्षेत्रफल होगा, तो आप जानते हैं कि ये तो कहीं तक भी हो सकता है, इधर भी और इधर भी कितना भी जा सकता है। ये लाइन है आपकी बाई लेस देन वन बाई टू और ये वाली है बाई ग्रेटर देन वन बाई टू। ओके, या आप इसको इक्वल इक्वल कह के लिख सकते हो, इक्वल इक्वल, वो तो हमने एरिया बाउंडेड कर ही दिया है, उसमें एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है। अब जेड तल में निकालोगे, डब्ल्यू तल में निकालेंगे। W तल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसका डायग्राम, फर्स्ट वाले में क्या है कि केंद्र कितना है, देखिए केंद्र है जीरो माइनस टू और त्रिज्या क्या है दो, जीरो माइनस दो और जीरो माइनस दो मान लीजिए यहाँ है जीरो माइनस दो। ओके, जीरो कॉमा माइनस टू, तो ये डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, त्रिज्या दो हो गई ना यहाँ से यहाँ तक। दूसरा देखिए, अभी एरिया की भी बात करेंगे हम, पहले डायग्राम बनाते हैं। दूसरा देखिए, सेंटर है जीरो माइनस वन और रेडियस है वन। जीरो माइनस वन का मतलब है सेंटर इनके बीच में होगा, ये जीरो कॉमा माइनस एक,
तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब देखो आपसे इसमें कहा गया है यहाँ कि ये जो सर्कल है ना, ये क्या है, दो इकाई त्रिज्या के अंदर, इसमें तो दो इकाई त्रिज्या के अंदर है, लेस देन है ना। और यहाँ देखिए इकाई त्रिज्या के वृत्त के बाहर बाहर, तो इकाई त्रिज्या के वृत्त के बाहर बाहर ये, और ये दो इकाई त्रिज्या का वृत्त था तो इसके अंदर, तो ये एरिया होगा, ठीक है ना, ये इसका कॉमन एरिया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन रहा इसका। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। राधा रमन बोलो भाई, राधा रमन बोलो क्या दिक्कत है। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट एक बार क्लास रिजॉइन करें, सभी रिजॉइन करेंगे। ओके,